सुनो मेरे बहनों और भाइयों, जब अल्लाह आपको कोई चीज़ देना चाहे तो फिर पूरी दुनिया रोक ले, आप वो चीज़ अचीव करके ही छोड़ दें। और अल्लाह अगर अपनी प्रोटेक्शन में आपको रखे, फिर दुनिया मिलकर भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहे तो आपको वो पहुंचा नहीं सकते अनलेस अल्लाह वांट यू। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल एंड द एग्जांपल इज वेरी अनाउंड ऑफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम व्हेन एवरीवन वांटेड टू टेक हिज लाइफ बट अल्लाह हैज प्रोटेक्टेड हिम। हाउ? उनकी माँ को एक यूनिक सा आइडिया है कि जब सब लोग उनकी जान के पीछे पड़े तो क्यों ना एक बास्केट पे उनको रख कर उसे दरियाए नील में रख दें, सो दैट वो जहाँ भी जाएंगे अल्लाह उनको प्रोटेक्ट करेगा। और ऐसा ही हुआ कि किसी ने उनको कुछ नहीं किया और उनकी जान बच गई, बिकॉज अगेन अल्लाह has protected Hazrat Musa. Isi tarah, when you are going to achieve something and it is from the hand of Allah Pak, then nobody can block or stop you. You will be a great achiever because Allah with you. To aap ye jaan lijiye, agar koi cheez Allah aapko samjha raha hai ki aap ye achieve karenge और आप बहुत ख्वाब देख रहे हैं उसके कि शायद वो चीज़ आएगी, तो अल्लाह जस्ट सेंडिंग यू मैसेज दैट यू विल अचीव दैट थिंग इन फ्यूचर। बात दरअसल ये है कि उस ख्वाब की ताबीर जानते हुए आप उसके लिए एफर्ट्स करते हैं या नहीं करते। अल्लाह फरमाता है कि तुम अपनी मेहनत करो, रिजल्ट मैं दूंगा। When you are doing nothing and just asking Allah to give us what you want, then kabhi bhi nahi hoga. Never, never, never. Zaruri hai ki aap apni efforts kare. Aur ye soch le, iman aur trust aapka Allah Pak pe hona chahiye ki Allah chahta hai ki aap apni destination tak pahunche to pahunchenge. Agar aapka trust strong hai तो फिर चाहे दुनिया मिल जाए, एक हो जाए, लेकिन आपको नहीं रोक सकते। लूज़र हमेशा सोचता है कि मैं चीज़ अचीव नहीं कर सकता। एक विनर जो होता है वो हमेशा सोचता है ये चीज़ बहुत ईजी है, आई कैन अचीव इट, आई कैन अचीव इट। तो बस यही सोचना।